दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। आसमान साफ होने के कारण धूप खिल रही है, लेकिन शीतलहर ने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा रखा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्दी हो रही है। ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। फिलहाल सर्दी से पूरी तरह राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। IMD के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं 10 और 11 फरवरी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 13 फरवरी की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ ही यूपी और बिहार के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। सर्दी और कोहरे के बाद हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। रबी की फसल पर मौसम की मार देखी जा रही है। कई जगह से फसल बर्बाद होने की खबरें भी आ रही हैं। कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए परामर्श जारी किया जा रहा है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।